हेलो गाइस, आज हम लेडीज ट्राउजर फॉर्मल पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। आगे बेल्ट रखेंगे, पीछे इलास्टिक रखेंगे, क्योंकि ये लेडीज पैंट है तो एकदम बेल्ट वाला एकदम कंफर्ट नहीं बैठता है। इलास्टिक लगाने से बेहतर फिटिंग आएगा, तो इसलिए आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाएंगे। और आगे देखिए प्लीट है, इस तरह का हम प्लीट वाला ही कटिंग करेंगे, जिस तरह फोटो में आप देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका फैब्रिक मैंने 1.25 मीटर लिया है, 60 का विड्थ है, और ये इम्पोर्टेड फैब्रिक में मुझे मिला है, क्योंकि मुझे ये सूट फैब्रिक में नहीं मिल रहा था। मेंस का मिलता है सूट फैब्रिक में, तो लेडीज़ के लिए हमको इम्पोर्टेड फैब्रिक लेना पड़ा। थोड़ा जाड़ा वाला जॉर्जेट टाइप का फैब्रिक है, तो ये मैंने लिया है 1.25 मीटर। तो चलिए इसको कटिंग करना शुरू करते हैं। ये कपड़े को दो फोल्ड करके ऐसा किनारी अपने तरफ रख के ऐसा फोल्ड करके बिछा लेंगे, और ऐसा एकदम बराबर कपड़े को कर लेंगे। और ऊपर एक सीधा निशान हम लगाएंगे, स्ट्रेट निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच झुका के एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में हमको एक सेपर से ऐसा साइड का सेप देना है, तो हिप के हिसाब से ज़्यादा सेप लेना है कि कम लेना है। और आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक है तो ज़्यादा सेप नहीं लेना है, लेकिन सेपर से एक सेप मार लेना है। उसके बाद में ये कमर नापेंगे, तो 32 इंच है तो 8 इंच पर एक निशान लगा के, और 1 इंच का प्लीट मारना है तो हम आगे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना ये वहाँ पे आया है उतना ही नीचे लेके एक निशान लगाएंगे, और 0.5 इंच और बढ़ा के आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे। और ये निशान को ऊपर के निशान से हम ऐसा क्रॉस थोड़ा करके निशान लगा लेंगे, ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि हमका हमारा जो है लेंथ कितना है, तो लेंथ को हमको जितना बेल्ट लगाना है उतना ऊपर निकाल के एक लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 38 लेंथ है, तो 38 पे ही लेंथ लगाएंगे का निशान लगाएंगे, और एक सीधा निशान लगा के और थोड़ा सा झुका लेंगे इनसाइड की तरफ। झुकाने से क्या होता है कि जो इनसाइड का लेंथ है ऊपर की तरफ खींचता नहीं है, तो थोड़ा झुका लेना चाहिए, तो वो क्या बेहतर फिटिंग आता है। और लगा के उसके बाद में ये 1.5-3 इंच का नीचे एक निशान लगा के, और एक बराबर पे इसको भी 3 इंच का एक जैसा करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर हिप चेक करेंगे, तो हिप 41 है, तो देखिए ये 10 इंच आ रहा है, तो जो भी माइनस है हम उसको बैक में बढ़ा लेंगे। 10.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, और इसको क्या करेंगे, निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच के करीब आगे बढ़ाकर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। तो ये राउंड शेप देने के बाद में ये हम चेक कर लेंगे कि बराबर रहे कि नहीं हमको ये फोक लाइन हमारा छक। और एक बैक के लिए आइडिया के लिए हम एक 3.5 इंच पर निशान लगा के, और फिर हम थाई को चेक कर लेंगे कि ये बराबर 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमारा बराबर आ रहा है, अगर कम है तो हम बढ़ा के आगे की तरफ कर लेंगे। तो इसलिए जो है 3.5 पे या 4 इंच पे लगाना है, क्योंकि और यहाँ से हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा फोक लाइन बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी बराबर आ रहा है, तो 26 आया था, और उसके बाद 3 इंच का बेल्ट आएगा तो बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमको थाई का निशान आधा आधा कर लेंगे, जैसे सेंटर का पार्ट यहाँ से निकालेंगे, सेंटर लाइन निकालेंगे, तो इसी तरह से किनारी से अब एक जैसा नापते हुए हमको नीचे की तरफ जाना है। और उसके बाद में हमको मोहरी का निशान लगा लेना है कि कितना मोहरी है, तो दोनों तरफ 3.5-3 इंच का निशान लगाएंगे तो हमारा एकदम बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे लाइनों को सीधा कर लेना है, और ये ऊपर तक जाना है। ऊपर इसलिए जाना है कि वहीं से हम प्लीट देंगे, प्लीट पहला प्लीट वहीं पर उठा के मारेंगे एक प्लीट। तो देखिए वहाँ पर 1 इंच जो हमने बढ़ाया था वो माइनस कर लेंगे उधर, और वहाँ पे निशान लगा के उतना प्लीटिंग हमको करना है। तो वहाँ निशान को यहाँ का वहाँ घटा के उधर कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारा कितना मोहरी आ रहा है। तो मोहरी का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो 3.5-3 इंच हमको इधर बढ़ा के लगा लेना है, दोनों तरफ सेंटर से दोनों तरफ जाएंगे 3.5-3 इंच, तो हमको 13 इंच बराबर मिल जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना बैठ जाता है। उसके बाद में हम मेजर टेप यहाँ रखेंगे हिप के उस पर, और वहाँ से रख के ऐसा सीधा निशान हम एक लगा लेंगे मेजरिंग टेप से ही, और दोनों मेजर जो स्ट्रेट मार्किंग की है उसके आधा आधा इंच अंदर एक मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में हमको सेपर पट्टी से हमको अभी सेप देख के और वहाँ पे कर देना है, तो ये बराबर आएगा। अगर मेजरमेंट आपके पास थाई और नी का नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं आराम से, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है हमको मेजरमेंट का। बिना मेजरमेंट का भी लेडीज़ का पैंट आप बना सकते हैं। तो बहुत लेडीज़ लोग मेजरमेंट नहीं देते हैं पैंट का, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है, बिल्कुल फिटिंग आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। और नीचे जो है हमको स्ट्रेट लाइन लगाना है ऊपर सेपर से, जो शेप हमको ये साइड देना है वही शेप हमको वो साइड देना है, क्योंकि दोनों तरफ का शेप अगर बराबर रहेगा तो पैंट एकदम परफेक्ट आएगा।
फिर हमको बढ़ा के नीचे की तरफ ऐसा क्रॉस लाइन लेके और कटिंग करना है। तो देखिए मार्जिन छोड़ते हुए हमको कटिंग करना है, मार्जिन मार्किंग पे नहीं करना है, मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, साइड में भी ऊपर भी नीचे जाके। तो हमने मार्जिन दे दिया है तो नीचे बराबर पे कटिंग करेंगे, जो 3 इंच का हमने नीचे जो एक एक्स्ट्रा मार्किंग किया है वो उस पर हम कर लेंगे, तो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन बाजू में और ऊपर जो भी है वो हमको ऐसा मार्जिन छोड़ते हुए जितना हमको स्टिचिंग में दबाना है उतना छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह से आप कटिंग करिए तो आपका बराबर आएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो ये देखिए किस तरह का शेप आ रहा है, किस तरह का कटिंग है, तो आपको कटिंग देख के ही अंदाज़ा आ जाएगा कि ये फिटिंग पैंट बराबर बैठेगा या नहीं आएगा। तो आप खाली इसका देखिए, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो उसका स्टिचिंग का डालने वाला हूँ, स्टिचिंग करके दिखाऊँगा कि ये हर जगह से बिना कुछ छाटे पीटे बराबर बैठेगा। तो ये क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये ज़रा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत भरोसे से। ये देखिए अभी प्लीट का हम ऐसा मार देंगे प्रेसिंग करके, और फिर उसके बाद हम प्लीटिंग लगा लेंगे। ये देखिए फ्रंट का 2 पार्ट कट गया, अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के कपड़े को हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद में स्ट्रेट कर लेंगे एकदम क्लीन करके, और फ्रंट का एक पार्ट रखेंगे, और रखने के बाद में हम इसका एकदम सीधा रखेंगे, जो ये सेंटर का लाइन है एकदम स्ट्रेट कपड़े पे बैठना चाहिए। और उसके बाद में हमको ये सब चेक कर लेना है कि एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़रा भी आगे पीछे है तो लाइन से और वहाँ का लाइन जो है, जो फोल्डिंग का लाइन है, वो मैच करते हुए हमको स्ट्रेट देख लेना है। तो इससे क्या होता है कि कपड़े में ज़रा भी अगर क्रॉसपन रहेगा तो वो पैर घूमेगा तो फिर वो क्रीज आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है, कपड़े का तार बराबर रखना। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये आगे ये जो फॉक लाइन है और जो भी इसका थाई है वो मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हम 2 इंच उठा लेंगे, 2 इंच उठाने, इसलिए 2 इंच उठा रहे हैं कि इसका हिप 41 है तो 2 इंच उठाना ही पड़ेगा, तभी वो फिटिंग बराबर आएगा। और यहाँ पे जो भी कम हमारा हो रहा है वो बढ़ा के 1.5 इंच और लूजिंग दे के हमको यहाँ पे निशान लगाना है। तो जितना आगे बढ़ रहा है कोई बात नहीं है, चलेगा। और यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 3.5 इंच पे निशान लगा के और ये सीधा लगाएंगे, और एक नीचे की तरफ लगाएंगे जो हमको नीचे के वाले मार्किंग पे कटिंग करेंगे तो ये बराबर जाके मिल जाएगा। इसलिए हमको वहाँ पे नीचे की तरफ मार्किंग करना है, कितना करना है 1.25 इंच के करीब में। और उसके बाद में अभी ये मार्किंगों को मिला देंगे ऐसा, और यहाँ पे शेप हम हाथ से ही दे देंगे। तो इस तरह से मिला के इस तरह का शेप दे देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे नी पे 1.25 इंच के करीब बढ़ाएंगे, और यहाँ देखिए हमने कितना बढ़ाया, ये इसको भी नाप लेंगे हम कि कितना आ रहा है। तो ये देखिए हमारा बराबर आ जाएगा, ये देखिए एकदम फॉक लाइन एकदम बराबर आ जाएगा, ये 29 एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ का बराबर मेजरमेंट देखना है कि जो हमको मेजर में मिला है वो बराबर बैठ रहा है कि नहीं। ये देखिए 1.25 इंच मैंने किया, यहाँ पे 1 इंच किया है, और यहाँ पे हमको थोड़ा यहाँ पे हल्का उतार देना है, नीचे की तरफ हल्का क्रॉस करके उतारेंगे तो जॉइंट करने में कोई इशू नहीं आएगा। और ये सेपर से हम सेप कर लेंगे ऐसा, सेप पट्टी से, और नीचे भी ऐसा मिला लेंगे कि जहाँ हमको निशान से निशान मैच होता है वो हमको मैच कर लेना है। तो इस तरह से मैच हो जाएगा और शेप एकदम बेहतरीन होना चाहिए, तो शेप को सुधारते हुए हमको करना है। तो शेप एकदम बेहतरीन लग जाएगा तो अब क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, मार्जिन छोड़ के ही हर जगह कटिंग करना है, क्योंकि मेरा ये जो कटिंग है ये मार्किंग पे नहीं होता है, मार्किंग छोड़ के ही होता है, क्योंकि ये मैं उस हिसाब से मेजरमेंट लेके कटिंग करता हूँ। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऐसा कटिंग करने के बाद में हम इसको देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक इंच का बढ़ा के कटिंग कर लेंगे, ताकि कभी लूज टाइट का इशू हुआ तो हम बढ़ा घटा सकें, इसलिए हमको थोड़ा यहाँ पे छोड़ देना है, और नीचे जाके मार्किंग पे मिला लेना है। ये देखिए फोल्ड करके मैच करेंगे कि हमारा कहाँ बैठ रहा है। तो अभी भी देखो 5 इंच जो है निकलेगा वहाँ से, तो वो निकाल लेना है। वो निकालने से क्या होगा कि जब हम ऐसा ज्वाइन करेंगे इनसाइड को तो एकदम से ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा, बराबर बैठेगा। तो हमको कटिंग में ही सुधार लेना है, कारीगर पे नहीं छोड़ना है कि कारीगर जो है कैसे वो जोड़ेगा। कारीगर पे छोड़ेंगे तो कारीगर कभी सही बनाते हैं कभी गलत बना देते हैं, तो वो चीज़ अपने को ही कटिंग में ही सुधार लेना है। तो ये देखिए हो गया, ये बाहर का साइड जो है वो हम एकदम बराबर पे ही जाएंगे, जितना है नीचे भी बराबर जाएंगे, और यहाँ पे जाके यहाँ भी 1/2 इंच उतार देंगे हम बैक को। तो 1/2 इंच उतारने से क्या होगा कि इनसाइड का बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर देखो कितना हमारा नीचे गया था, इसी तरह से ये फोल्ड होगा तो वहाँ भी 1/2 इंच की तरफ फर्क पड़ता है।
तो इस तरह फोल्ड करेंगे तो ज़रा भी इसमें रिंकल नहीं आएगा, एकदम बेहतरीन बैठेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिप लगाएंगे साइड में और आगे बेल्ट लगाएंगे। तो आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का डालने वाला हूँ। तो इसका वेस्ट 32 है तो मैंने 32 लिख दिया है, इसका मोहरी जो है 13 इंच है तो 13 इंच लिख दिया मैंने। 29 इसका रिंग रॉन्ग है, वो मैंने 29 लिख दिया है। तो अब जो है हमारा जो है ये 26 इसका थाई है, तो थाई हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि टाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए अभी ये बराबर आ रहा है, 29 आ रहा है बराबर, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, 5 इंच आधा इंच 1 इंच तो चलता है। अब इसको स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और देखना कितने आसानी से ये बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।